रुक रुक शैतान मिली तो रुक, कहाँ गई? अच्छा तू वहाँ है, रुक मैं आज तो तुझे छोड़ूंगी नहीं, रुक। रुक रुक रुक, ये बिल्ली कहाँ गई? अभी तो मैं इसके पीछे पीछे आ रही थी, इतनी जल्दी कहाँ चली गई? कौन है वहाँ? कौन है? कोई है? कोई दिखाई क्यों नहीं दे रहा? आवाज तो वहीं से आ रही है, बिल्ली होगी। कौन है वहाँ? कौन है? कौन है वहाँ? कोई दिखाई तो नहीं दे रहा। बिल्ली का पीछा करते करते मैं यहाँ पर कैसे आ गई, मुझे तो पता ही नहीं चला। अब मैं क्या करूं? अंकिता तू यहाँ क्या कर रही है? चल मेरे साथ। पागल है क्या? वहां चली गई थी। मैंने तुझे 1000 बार मना किया है कि उस दरवाजे के पास जाना खतरे से खाली नहीं है, फिर भी तू वहाँ चली गई। तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है क्या? निकी अब मैं कभी भी वहाँ नहीं जाऊंगी। चल चल चल। दिव्या मैंने तो कई दिनों से सोच रखा था, निकी ने नया वाला घर लिया है ना, तो मैंने सोच रखा था कि उसके घर जाएंगे लेकिन टाइम ही नहीं मिलता था। लेकिन इस वेकेशन में तो मैंने सोच ही लिया था कि निकी के घर जरूर जाएंगे, तो चल आज मौका मिल गया, चल हम उसके घर जाते हैं, ठीक है? हाँ पूजू एक काम तो तूने बहुत अच्छा किया, चल हम निकी के घर जाते है, चल चल। बहुत अच्छा किया पूजू इस वेकेशन में तुमने यहाँ आकर। हाँ मैंने भी सोचा कि चलो निकी के घर चले जाते हैं, तो हम आ गए। हाँ तो तुम तो कितने सालों से यहाँ नहीं आई थी, एक बार तो नहीं था। वो भी तुमने नया घर लिया था तो मैंने सोचा था कि एक बार तो देखने जरूर आऊंगी। मेरा तो कितने दिन से मन था तुम्हारे घर आने का, पर टाइम ही नहीं मिलता था। अच्छा हुआ ना इस वेकेशन में तुम दोनों आ गई, अब हम सारे मिलके बहुत मजा करेंगे। हाँ निकी हम बहुत मजा करेंगे। अब तो हम मस्ती ही करेंगे। इस वेकेशन को हम चारों मिलके यादगार बना देंगे। मेरा क्या किया दे मुझे। अरे निकी खाने का क्या किया तूने? पूजू निकी ने घर तो बहुत बढ़िया लिया है। हाँ दीव अगर नीचे इतना अच्छा घर है तो ऊपर कितना अच्छा होगा, चल हम पूरा घर देख के आते हैं, ठीक है? चल चल। दिव्या चल, लगता है यही रास्ता है ऊपर जाने का, चल। दिव्या तुझे पता है निकी मेरे बचपन की सहेली है, बचपन से मेरे साथ पढ़ती थी, और देख इसने कितना बड़ा घर ले लिया। निकी ऐसी ही है, मुझे पता भी नहीं लगने देती, और देख कितनी आगे निकल गई। अरे पूजू इस कमरे में तो ताला लगा हुआ है, हम अंदर कैसे जाएंगे? हाँ लेकिन ये कमरा बंद क्यों पड़ा हुआ है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है ना पूजू? हाँ बात तो ठीक है, ये कमरा बंद क्यों है? कोई बात नहीं, लेकिन छोड़ना अगर ये बंद है तो इसकी चाबी भी यही कहीं होगी, चल इसे ढूंढते हैं। दिव्या पूजू तुम दोनों यहाँ क्या कर रही हो? हाँ। अरे निकी पर तू इतना डर क्यों रही है? चलो तुम दोनों चलो यहाँ से। अरे अरे पर क्या हो गया निकी, हम तो ये कमरा देखने के लिए आए थे। चल ठीक है, तू आ गई ना। ये कमरा कब से बंद पड़ा हुआ लगता है, इसकी चाबी मुझे दे दे, मुझे ये कमरा देखना है। हाँ अरे अंकिता, पर तुम दोनों डर क्यों रही हो? तुम्हारा ही घर है, किसी और का थोड़ी है। तुम्हें समझ में क्यों नहीं आ रहा? मैं तुम्हें इस घर की चाबी नहीं दूंगी। हाँ नीचे चलो दोनों। अरे पर क्या हो गया निक्की, कमरा ही देखने को बोल रही हूँ ना, क्या कुछ और बोल रही हूँ मैं? नहीं देखना तुम दोनों को कमरा है। हाँ चलो मेरे साथ चलो। अरे पर क्या हो गया निक्की इसमें? हाँ चलो चल। निक्की पर क्या हो गया? पूजू क्या बचपन में मार खाती थी, बहुत मार खाती थी। अरे निक्की तू तो मेरे बारे में बता रही है, मैं निक्की के बारे में बताऊं क्या? बताऊं? हाँ, बता। झूठ बोल रही है, कुछ नहीं है। नहीं बता ना पूजू। देखो कितनी डर रही है। दियू उठ। अरे दियू उठ। क्या है पूजू, रात में अच्छे से सोने भी नहीं देती। सो जा, बहुत रात हो गई है। दियू उठ तो सही। दियू मेरी तरफ देख, उठ। हाँ अरे दियू ज्यादा आवाज मत कर, वो निक्की और अंकिता उठ जाएंगी। देख वो निक्की और अंकिता दोनों सो गई है। चल हम उस कमरे में जाके देखते हैं। चल पूजू तू क्या बात कर रही है, कितनी रात हो गई है, तू पागल तो नहीं हो गई? अरे दियू वो निक्की मना कर रही थी, मुझे लगता है उस कमरे में जरूर कोई बात है, इसलिए वो मना कर रही थी। चल हमें जाके देखना चाहिए। पूजू कितनी रात हो गई है, वहाँ जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे भी वो निक्की वहाँ जाने से मना कर रही थी, तो हमें वहाँ क्यों जाना है? सो जाना तू। अरे इसीलिए तो कह रही हूँ, उसने मना किया था इसलिए मुझे लगता है वहाँ ज़रूर कोई बात है, इसीलिए मैंने कहा चल हम दोनों वहाँ जाके देखते। पूजू बहुत रात हो गई है, तुझे तो पता है ना मुझे रात में बहुत डर लगता है, मैं नहीं आऊँगी। अरे पर मैं तो तेरे साथ हूँ ना, क्यों डर रही है? चल ना मेरे साथ। मुझे बहुत नींद आ रही है पूजू, मैं नहीं आऊँगी। सो जा तू भी। अरे दियू सो जा, पूजू तू भी सो जा, मैं तो नहीं आने वाली। तुझे तो पता है ना मैं बहुत डरपोक हूँ। सो जा, बहुत नींद आ रही है मुझे तो। अरे दियू लो, ये तो सो गई। मुझे पता है ये नहीं आएगी, बहुत डरपोक है, लेकिन मुझे तो जाना है, मैं तो ज़रूर जाऊंगी। वो निक्की बहुत चालाक है, ज़रूर उस कमरे में कुछ ना कुछ तो है। मुझे लगता है वो मुझसे कुछ छुपा रही है। मैं जाके देखती हूँ क्या है उस कमरे में। कौन सी चाबी होगी? हाँ ये पुरानी चाबी लगती है, लगता है यही चाबी है। ताला भी बहुत पुराना है, इसलिए इसकी चाबी भी यही होगी। लगता है काफी सालों से बंद है ये कमरा, ताला भी जम गया है। ये पिटारा बहुत पुराना लगता है। निक्की ने जरूर इसमें ही कुछ छुपाया होगा। इसे खोलने की कोशिश करती हूँ। सब कुछ बहुत पुराना लगता है। लगता है ये कमरा काफी दिनों से बंद है। इसमें जरूर कुछ खजाना होगा। इतने सारे गहने, लगता है गहने भी बहुत पुराने हैं। निक्की ने कई सालों से यहाँ सब कुछ छुपा रखा है और इतना बड़ा घर भी खरीद लिया। ये निक्की बहुत चालाक है। वाह, ये सब कितना अच्छा है। वाओ, यार कितना अच्छा है। अब समझ आया निक्की इसमें ताला क्यों लगा के रखती है। ये सब गहने जो छुपा रखे हैं। वाह, ये कितना अच्छा है। कहीं निक्की आ ना जाए। सब रख देती हूँ वापस। ये पूजू पानी वानी पीने गई होगी। पूजू आज भी बाहर गई। अंकिता, दिव्या, अंकिता, अंकिता जल्दी से उठो। दिव्या, 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 क्या हुआ निकी? अरे तुम दोनों को कुछ पता है? कुछ भी नहीं। मेरी बात ध्यान से सुनो। पूजू रोज रात को उठ के कहीं चली जाती है। मैं 3 दिन से लगातार देख रही हूँ, आज भी उठकर कहीं चली गई। हाँ? ऐसा रोज करती है। तुम दोनों को कुछ पता है? ऐसा क्यों करती है पूजू? दिव्या, दिव्या, तुम्हें कुछ छुपा रही हो हमसे? दिव्या, तुम्हें कुछ पता है? दिव्या, बोलो कुछ। पूजू ऐसा क्यों करती है? पूजू, दिव्या, मुझे रोज के बारे में तो कुछ नहीं पता, पर एक बार ओ पूजू उठ के और मुझे बोले कि चल दिव्या हम ऊपर जाते हैं, जो वो बंद कमरा है ना वहाँ। और फिर मुझे बहुत नींद आ रही थी, इसलिए मैं नहीं गई। क्या? इसका मतलब पूजू उस कमरे में गई है? हाँ, मैंने उसे मना किया था, पूजू उस कमरे में मत जा। आखिरकार वो उस कमरे में क्यों गई है? अगर पूजू वहाँ गई है तो कोई डरने की बात है क्या? हाँ, डरने की तो बात है, इसलिए हम दोनों डर रही है। अरे दिव्या, तुम्हें कुछ पता नहीं है। मैं क्या करूं? आज तक तो हम भी वहाँ नहीं गए हैं। हम जब से आए हैं तब उस ऊपर के दरवाजे से बहुत भयानक आवाजें आती है। हाँ, हम दोनों कभी उस दरवाजे के पास भी नहीं खड़े हो सकते, इतना डर लगता है हमें। हमने कभी खोल के देखा भी नहीं है उसमें क्या है। जब से हमने घर खरीदा है तब से हमें कहा गया है ऊपर के कमरे में कभी मत जाना और कभी खोलना भी मत वो दरवाज़ा, इसलिए हम कभी वहाँ नहीं जाते। और आज पूजू चली गई। हाँ, वही तो डर है। तो चलो हम भी इसके साथ चलते हैं। चलो, क्या हमें पूजू को बचाने जाना चाहिए? हाँ, जाना चाहिए। हाँ, पर मुझे बहुत डर लगता है। डर तो मुझे भी लग रहा है। हम सबको डर लगता है, लेकिन क्या करें। चलो पूजू को बचाते हैं। चलो चलो मेरे साथ। दरवाजा तो खुला है, ताला भी तोड़ दिया है, मतलब पूजू अंदर ही है। हाँ। घुंघरू की आवाज आ रही है। ऐसा लगता है कोई नाच रहा है अंदर। हाँ, नाच रहा है। ऐसा करते हैं, यहाँ से देखते हैं। हाँ। बचा नहीं है तब क्या करें? हम क्या करें तो? क्या हम तीनों मिलके पूजू को बचा नहीं सकते? अरे इसमें हम क्या कर सकते हैं? वो तो चुड़ैल है। हाँ, हम आम इंसान चुड़ैल से कैसे लड़ पाएंगे? तो क्या करें अब? पूजू को कैसे बचाए? हाँ, बचा सकते हैं हम पूजू को। मैं एक लाल बाबा को जानती हूँ, वो ऐसी प्रेत आत्मा को वश में करते हैं। हाँ, वही हमारी पूजू को बचा सकते हैं। चलो चलो जल्दी से चलो चलो चलो। पूजू नहीं, ये बोल के चुड़ैल कब आएगी? हाँ, चुड़ैल कब आएगी? मुझे क्या पता। हाँ, इसको कुछ वो बुला रहे, तू देख। बाबा बाबा, इस चुड़ैल से पूजू को छुटकारा तो मिल जाएगा ना? मुझे बहुत डर लग रहा है बाबा, हमारी पूजू को कुछ होगा तो नहीं ना बाबा? कब आएगी वो बाबा? आएगी बच्चा, वो आएगी, उसको आना ही पड़ेगा। तुम्हें? पूजू की शरण में तुम क्यों आई हो? क्या चाहती क्या हो तुम? नहीं छोड़ूंगी मैं, नहीं छोड़ूंगी, नहीं इसके शरीर को छोड़ूंगी, नहीं तुम तीनों को छोड़ूंगी, किसी को नहीं छोड़ूंगी मैं, खत्म कर दूंगी मैं तुम तीनों को। लेकिन मुझने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? हम सब ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो हम सबकी जान लेने पे तुली हो तुम? क्या चाहिए तुम्हें? नहीं छोड़ूंगी मैं, किसी को नहीं छोड़ूंगी। तुम सब मेरे गुनहगार हो, सबके सब मेरे गुनहगार हो। मुझे लगता है कृष्ण से उसकी शक्ति कमजोर हो रही है। छोड़ दे मुझे को, छोड़, दूर रख इसे, दूर रख मुझसे, दूर रख। नहीं, जब तक तुम मुझे को नहीं छोड़ेगी मैं इसे दूर नहीं रखूंगी। पता पता क्यों आई हो तुम? दूर रख इसे, ये मुझे जला देगा, ये त्रिशूल मुझे जला देगा, इसे दूर रख। जब तक तू बोलेगी नहीं मैं इसे दूर नहीं करूंगी। बस इसे दूर रख, बताती हूँ मैं, बता, दूर रख। हम मानते हैं कि तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ है, लेकिन इसमें हमारी क्या गलती है? तुम जो हमारे साथ कर रही हो वो भी तो ठीक नहीं है, इसलिए तुम पूजू के शरीर को छोड़ दो। और हाँ, हम सब मिलकर तुम्हारी मदद करेंगे, तुम्हें इंसाफ दिलाने के लिए तुम्हारे दुश्मनों को तुम्हारे पास लेके आएंगे। बस तुम्हें पूजू के शरीर को छोड़ना पड़ेगा। नहीं नहीं छोड़ूंगी। क्यों? अगर तुम लोग अपनी बात से मुकर गई तो मैं वापस इस घर में कैद हो जाऊंगी और मेरा बदला अधूरा रह जाएगा। मुझे भरोसा दिलाओ तुम लोग, वरना मैं इस शरीर को नहीं छोड़ूंगी। मुझे समयांतर चाहिए। आज दुर्गाष्टमी है, अगली दुर्गाष्टमी के दिन तुम्हारे दुश्मनों को हम तुम्हारे पास लेकर आएंगे। तुम लोग अपनी बात पर कायम रहना, वरना मैं वापस आऊंगी और तुम सबको मार डालूंगी। वादा रहा, नहीं मुकरेंगे अपनी बात से। तुम पूजू के शरीर को छोड़ दो। याद रखना दुर्गाष्टमी